रिस्क लेना प्रॉफिट की उम्मीद में, मतलब वो चीज जिससे प्रॉफिट होने की उम्मीद है, ऐसी कोई भी एक्टिविटी करना, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, उद्योग साहसिकता। अब एक और सवाल है, हु इज एंटरप्रेन्योर? यस सर, हु इज एंटरप्रेन्योर? यस यस, वी आर एंटरप्रेन्योर। लेकिन उनके सिम्टम्स क्या होते हैं? यस राइट, रिस्क लेना राइट। सो थोड़ा सा इसके ऊपर और भी हम हाईलाइट करते हैं कि एंटरप्रेन्योर किसको कहते हैं और कौन है एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले बात करें कि एंटरप्रेन्योर हम उसको कहेंगे कि जो इंसान मार्केट की नीड को आइडेंटिफाई करता है, मार्केट की प्रॉब्लम को समझता है। दूसरा, वो एक रिस्क लेता है कुछ नया इनोवेट करने का, क्योंकि एंटरप्रेन्योर हर मार्केट में आ रही चैलेंजेस का सॉल्यूशन देता है, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देता है। देन एंटरप्रेन्योर होता है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, मतलब वो नौकरियां पैदा करता है। एंड एंटरप्रेन्योर सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, वो समाज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। एंड एंटरप्रेन्योर इंक्रीज नेशन जीडीपी। एक उद्योग साहसिक वो इस देश की जीडीपी बढ़ाता है, मतलब अगर हम एंटरप्रेन्योर हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, अगर हम अपने आप को एंटरप्रेन्योर कह रहे हैं तो। हमें मार्केट की नीड समझना पड़ेगा, हमें नया इनोवेट करने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी पड़ेगी, हमें सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी, और हमें इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा, राइट? सो हम सब एंटरप्रेन्योर हैं? यस? थोड़ा सा रिस्पॉन्स यस? ओके, सो एक बढ़िया सा मैं चाहता हूं कि अगर वाकई में हम एंटरप्रेन्योर हैं तो रिस्पॉन्स भी एंटरप्रेन्योर की तरह होनी चाहिए। यस? तो क्या मेरे साथ आप ताल से ताल मिलाएंगे? तो एक क्वेश्चन का आप जवाब देंगे, आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? आवाज नहीं आ रही यार, हम एंटरप्रेन्योर है रियली, तो दिखाना पड़ेगा। फिर से अगेन, आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। तो आज हम एंटरप्रेन्योर के साथ बैठे हैं वाकई में, तो देखते हैं कि मार्केट आज क्या कह रहा है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, क्या चीजें आपके लिए ला रहा है ये भारत देश, ये कितनी अपॉर्चुनिटी आपके लिए पैदा कर रहा है। और हमारा जो आज का टॉपिक है, करंट इंडियन मार्केट सिनेरियो, आज इंडिया के अंदर मार्केट में कौन कौन सी चीजों का बदलाव हो रहा है, क्या क्या नई चीजें आ रही है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो प्रेजेंट मार्केट कुछ ऐसा है, द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज द सिक्स लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ जीडीपी। आज हमारा भारत देश पूरी दुनिया का छठवां देश बन चुका है जिसकी इकोनॉमिक सबसे बड़ी है, छठवीं इकोनॉमिक इस दुनिया की सबसे बड़ी, हमारा इंडियन मार्केट है। अब इससे आपको क्या फायदा, छठवां हो, पांचवा हो, चौथा हो, दूसरा हो, तीसरा हो या पहला हो, क्या फायदा आपको? बिजनेस बढ़ेगा, तो इसमें हमारा फायदा क्या? लोगों ने खरीद शक्ति बढ़ेगी, राइट? मतलब हमारे बिजनेस बढ़ेगा, राइट? तो इंडियन मार्केट सिक्स हो चुका है और कहा यह जा रहा है कि आने वाले 2025 या 30 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमिक बनने वाले हैं। थर्ड, मतलब हमारे आगे खाली दो लोग रहेंगे। क्या लगता है अगर जब वो सिचुएशन आएगी तो हमारा आज जो बिजनेस है उसके अंदर कितना परसेंट का ग्रोथ आएगा, या हमारा बिजनेस कितने बढ़ने के चांसेस हैं? मोर देन 3 times, राइट? तो इंडियन मार्केट आज ये कह रहा है कि जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन क्या मैं बढ़ रहा हूं? अगर मैं अपना बैलेंस शीट उठा के लास्ट ईयर का देखूं और इस साल का देखूं, कितना फर्क आया?
अगर वहां पर फर्क आ रहा है तो मुझे इसका फायदा हो रहा है, इकोनॉमिक इंडिया 6 बन चुकी है तो मुझे फायदा हुआ, तो इंडियन मार्केट ये कह रहा है। देन इंडियाज इकोनॉमी बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमिक इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 2014। मतलब हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया, हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है, हमारा मार्केट इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि आज हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया और हम उनको क्रॉस करके हम आगे निकल गए। मतलब हमारे जो इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे इंडियन जो बिजनेसमैन हैं, वो कुछ बड़ा कर रहे हैं। देन द लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज पॉजिटिव ड्यू टू इट्स यंग पॉपुलेशन। ये सारी चीजें बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है, हमारे पास 70% पॉपुलेशन है यंगस्टर, 70% लोग हमारे इंडिया के अंदर यंगस्टर हैं जिनकी एज बिलो 30 है, 30 या 35 साल के अंदर के लोग हमारे इंडिया में 70% लोग हैं। और वही कह रहा है कि हम आने वाले टाइम के अंदर हेल्दी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट रेट एंड इंक्रीज इंटरगेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब हम आने वाले टाइम के अंदर अभी जो ग्रोथ है उसमें और भी होगा, और आने वाले 50 साल तक हमारा भारत देश यंग रहेगा। अब अगर यंग है तो उसको क्या चाहिए, हमारे यंगस्टर को रोटी कपड़ा मकान के अलावा क्या चाहिए? आज न्यू थिंग लाइफस्टाइल, ब्रांड, लग्जरियस लाइफ, और ये सब का मार्केट बढ़ेगा, राइट? बढ़ेगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। तो हमारा इंडियन इकोनॉमी ये कह रहा है कि यंगस्टर होने के कारण हम और भी ग्रो करने वाले हैं। देन स्टॉप द वर्ल्ड बैंक ग्रोथ आउटलुक ऑफ द फॉर द